कामयाबी सिर्फ झुकने से नहीं, अपने हक के लिए कभी सर उठाना भी पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नोफूड चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं सर्दी, खांसी और गले की खराश को दूर करने का घरेलू नुस्खा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। तो इसको मैंने छील लिया है, अब इसको हम कूट लेंगे। तो आप इसकी मदद से भी कूट सकते हैं, नहीं तो आप एक कोई वज़नदार चीज़ लेकर अदरक को इस तरीके से कूट सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक को कूट लिया है, तो ये एक स्पून अदरक है। तो यहाँ पर हम एक स्टोव के ऊपर पानी रख लेंगे, ये एक गिलास पानी है। पानी डालने के बाद जो अदरक हमने कुटी हुई थी उसको डाल लेंगे। इसके बाद डालेंगे 6 से 7 पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों को हमने धो लिया था। इसके बाद डालेंगे 2 इलायची। 2 इलायची डालने के बाद हम डालेंगे 6 से 7 काली मिर्च। तो ये जो हम नुस्खा बना रहे हैं ये 2 से 3 लोगों के लिए काम आएगा। इसके बाद हम डालेंगे 1 स्पून जीरा। जीरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। 3 लौंग डाल लेंगे। तो 3 लौंग डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 स्पून सौंफ। सौंफ के बहुत फ़ायदे हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे कुलुंजी। 1/2 स्पून हम कुलुंजी डाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काले कलर का ये जो कुलुंजी है बहुत ही फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। तो इन सब चीज़ों को हमने डाल लिया है। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। तो ये ताज़ी हल्दी है। अगर आपके पास इस तरीके की हल्दी नहीं है तो सूखी हल्दी भी ले सकते हैं। तो हल्दी को हमने छील कर इसको भी कूट लिया है। तो यहाँ पर हमने इसको बारीक से कूट लिया है। ये 1 स्पून हो गया है। तो इसको हम डाल लेंगे इस पानी में। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप सूखी हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर इस तरीके का हल्दी पाउडर भी 1/2 स्पून डाल सकते हैं। अगर हल्दी पाउडर नहीं है तो इस तरीके की हल्दी डाल लीजिए। तो इन सब चीज़ों को डालकर हम बस 5 मिनट तक पकाएंगे। तो इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम पकाते हुए इस तरीके से स्पून की मदद से हिला देंगे ताकि अच्छी तरीके से सारे चीज़ों का अर्क निकल जाए पानी में। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सारा अर्क निकल रहा है पानी में। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने डालकर बस 5 मिनट धीमी आंच पर पकाया है। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। इसको हम एक ग्लास में छान लेते हैं। तो एक छन्नी की मदद से हम एक कप में या फिर एक गिलास में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1 गिलास हमने पानी डाला था वो अभी 1/2 गिलास का हो गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे हनी। इसमें आप शुगर या गुड़ मत इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो खांसी में और ज़्यादा इसमें फ़र्क हो जाएगा, यानी खांसी और ज़्यादा हो जाएगी। आप चाहें तो हनी इस्तेमाल कर सकते हैं मिठास के लिए, नहीं तो आप इसी तरीके से भी पी सकते हैं। बस थोड़ी सी मिठास आने के लिए हम हनी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप 2 टाइम सवेरे और शाम पीजिए और अपनी सर्दी खांसी दूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।